वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। टुडे इज 2nd जुलाई 2020। तो गाइस हम लोगों दिल्ली से निकल गए थे तो लगभग 2:30 बजे, और अभी कुछ बज रहे शाम के 6। तो हमने अभी तक सिर्फ हम लोग अभी जयपुर पहुंचने वाले हैं। निमराना के थ्रू आए थे। रूट सेम था, निमराना के थ्रू आ रहे, पर बीच में एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ, आपको आगे क्लिप पता चल जाएगी। जो टिड्डी गैंग जो होती है, अटैक हो गया था कहीं जगह, तो हम लोग वो देखने में व्यस्त हो गए थे। मैं आपको वो क्लिप भी रखेंगे। अब ये है बोले कि हमारे को ऑप्शन ये है बोले कि हम या तो जयपुर रुक सकते हैं या फिर सीधा माउंट आबू जाके हॉल ले सकते हैं। तो मेरा जो डिसीजन है वो है सीधा माउंट आबू जाके लेंगे डिसीजन, रेस्ट ले लेंगे। क्योंकि इट्स यूजलेस कि आप रात को जयपुर रुको और वहाँ से अर्ली मॉर्निंग उठ के निकलो। तो अभी के लिए मेरे को भी ऐसा ही लगा, भयंकर यार, भयंकर। जिस पेड़ पे बैठे अभी इनका क्या है, अब डेट ये फिक्स हो गई। हाँ। अब ये यही होल्ड करेगी। हाँ। पेड़ों पे नहीं आता और सुबह यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, करते ही जाएंगे। तो आगे आई तो यही समझ, और भी तो आ रही है। अरे भाई साहब, ये तो खत्म ही नहीं हो रही। बादलों को पूरा काला करती हुई, आंटी भागी, ढोल बजाने जा रहे खेत में। गए अब तो खेत इनके। तो ये बेचारे देखो ना, बेचारे कैसे लाचार खड़े हैं सब के सब। एकदम हरी भरी फसल है सब जगह, वो बजा रहे हैं एक अंकल। हम लोग जयपुर पहुंच गए अभी। हमने जयपुर बाईपास रूट लिया क्योंकि जयपुर 45 किलोमीटर पहले एक बाईपास आता है जो आगे जाके सीधा अजमेर रूट से कनेक्ट होता है। तो हमने वो बाईपास वाला रूट लिया है विजय अंदर सिटी में जाने से। सिटी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी होगा इस टाइम पे और कोविड का भी बहुत ज़्यादा है जयपुर में, तो वो भी हमको स्किप करना था। अभी हम सीधा यहाँ से किशनगढ़ होते हुए कि हम लोग हॉल्ट सोचे ब्रेक का, या तो कोई सीसीडी पे या फिर ऐसे कुछ कॉफ़ी शॉप पे या फिर कुछ एक अच्छी सी प्लेस होटल देख के जहाँ पे हम एक ब्रेक ले सकें प्रॉपर। क्योंकि फ्यूल हमारे पास में सफिशेंट है, फुल टैंक फ्यूल है, तो फ्यूल ब्रेक हमको चाहिए नहीं। वैसे क्रेटा का एक है बेनिफिट कि ये जो गाड़ी है ये आपको 15-20 किलोमीटर पर लीटर पे एवरेज दे देती है। सो मैंने अभी तक सिर्फ 2 बार फ्यूल टैंक फुल कराया है, और फ्यूल टैंक फुल कराने के बाद में मेरे को 2 टैंक में ही मेरे को मैं माउंट मांडोली से सोनीपत और सोनीपत से वापस से मांडोली जा सकता हूँ। तो 1 फुल टैंक में ये एवरेज देती है 820 किलोमीटर्स का, जो कि बहुत ही अच्छा है। क्योंकि हमको जो हम कल आ रहे थे हमको इसने गाड़ी ने दिया है 18-20 किलोमीटर पर की एवरेज, क्योंकि हम लोग बहुत 1890 आराम से आए, और अभी भी हम 1890 जा रहे हैं तो हमको अभी भी ये गाड़ी 16-17 की एवरेज दे रही है। काफ़ी अच्छा है कंपेयरिंग टू स्कॉर्पियो या इनोवा। तो हमने अभी ब्रेक लिया है किशनगढ़ के पास में हम लोग हैं। जयपुर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि नयन को उसकी फैमिली मेम्बर से मिलना था, तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम लग गया। बाय द वे, अगर नयन की मौसी अगर ये वीडियो देख रही है तो कोल्ड कॉफ़ी और आपकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी। तो अभी हम लोग यहाँ पे किशनगढ़ से पहले एक मोर ओवर कॉफ़ी करके एक है, ये मेरा ऊपर मोर ओवर कॉफ़ी, वहाँ पे हम आए। तो कुछ डिनर भी किया नहीं था हमने, तो वहाँ पे आके हम कॉफ़ी और डिनर ब्रेक छोटा सा ब्रेक ले ताकि हम रिफ्रेश हो जाएं और आगे हमारी जर्नी कंटिन्यू करें, बिकॉज स्टिल 8 आवर्स की जर्नी बाकी है हमारी। ऑर्डर भी तैयार हो रहा है, अभी तैयार नहीं हो रहा, बस होते ही हम लोग गाड़ी में बैठ कर हम लोग वापस से कंटिन्यू करेंगे जर्नी, बिकॉज अभी बहुत लंबा सा सफ़र बाकी है आगे तक का। तो अगर आप लोग किशनगढ़ से जयपुर के बीच में जा रहे हैं तो यहाँ पे कैफ़े, इस कैफ़े मेस्ट्रो में आके ज़रूर कॉफ़ी पीना, बहुत अच्छी कॉफ़ी है कैफे का नाम। अगर आप जयपुर से आएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पड़ेगा, और अगर आप किशनगढ़ या अजमेर साइड से आएंगे तो आपको राइट हैंड साइड पड़ेगा ये कैफ़े। तो हमारा ऑर्डर हो गया तैयार और ये रही मेरी कॉफ़ी, तो लेट्स एंजॉय आवर डिनर स्मॉल।
ब्यावर और हम ब्यावर और बर के बीच में हैं। ब्यावर हमने क्रॉस किया है, जैसे टोल प्लाजा ब्यावर का है, तो हमने जैसे क्रॉस किया है। तो बोलते हैं ना कि जो भी सफ़र में अनहोनी ना हो तो वो सफ़र पूरा नहीं कहलाता। बस हमने ये जैसे ही हमने ये टोल प्लाजा क्रॉस किया, उसके बाद में हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो अभी हम टायर चेंज करेंगे। मतलब एक्साइटमेंट लेवल देख रहे हो आप, एडवेंचर लेवल गाड़ी का, एडवेंचर देखो आप। ट्रिप में जो एडवेंचर मिल रहा है ना, ऐसी एडवेंचर किसी को नहीं मिलती, कभी कभी मिलती है। टायर पंचर, और ये देखो नारायण भाई आ गए सामान वामान लेके काम काज पे। ये हर मैदान फतेह नारायण भाई, हर मैदान फतेह। सारा सामान भाई बाहर निकालना पड़ा है, एक ये टायर निकालने के चक्कर में ये टायर। और ये नयन हमारा हरियाणवी बॉय, नयन हरियाणवी। कुल मिला के ये है कि हमें पूरी रात जगना है। वही पूरी रात तो जगना है, रात तो अपनी है, कहाँ जाना है, स्वास्थ्य तो आनी है, स्वास्थ्य तो लेनी रात की। टायर चेंज हो गया, मस्त एडवेंचर मिला रात को, और एक सफर में बोलते ना एक मजा किक मिलना, वो किक मिल गया टायर पंचर करके। तो टायर पंचर ठीक करा दिया, और अभी हम जा रहे, तो एक चेंज ऑफ प्लान है, बोले कि अब हम मांडोली नहीं जा रहे, अब हम सीधा माउंट आबू जा रहे हैं गाड़ी लेके। तो ये है सिरोही का बाईपास टनल। टनल की एक बात बहुत खास होती है मेरे को नैन, कि जो मजा आता है ना, जब नैन पुणे का टनल देखा हो तूने, पुणे बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस वे पे, उदयपुर वाला देखा हो क्यों नारायण में, बहुत मजा आती है यार टनल्स में। टनल में गाड़ी चलाने का यार, कोई भी हाईवे पे, जब हाईवे मक्खन जैसा होता है ना, तब मजा आता है। पर जब ऐसे ये डाइवर्जन वाले जब ये सब आता है ना, तो एक गाड़ी का मोमेंटम और गाड़ी का एवरेज टूट जाता है पूरा। तो वो चीज़ क्या है, थोड़ा अगर कोई देख रहा है तो फिर थोड़ा डाइवर्जन से करो या कुछ, बहुत ज़्यादा डाइवर्जन से, और बहुत या फिर अगर डाइवर्जन रखने हैं, जानते चलो पब्लिक सेफ्टी के लिए आप लोग कर रहे हो, बट फॉर द सेक ऑफ पब्लिक सेफ्टी प्लीज़ उससे ना अच्छे से थोड़ा डाइवर्जन को अच्छे से रिफ्लेक्ट करो आप, तो आप थोड़ा मज़ा आएगा लोगों को चलाने में रात को, जो कि रात को बहुत डिफिकल्टी होती है डाइवर्जन स्पॉट करने में। तो अगर आपने गाइस यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, शेयर करना वीडियो को, और कमेंट ज़रूर करना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी पहली रोड ट्रिप की।